हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, दो दिन पहले मैं मार्केट गई थी, तो कृष्ण जन्माष्टमी की भी दुकानें लग गई हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत सामान खरीदा था, वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने जन्माष्टमी के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। बहुत ज़्यादा तो नहीं ख़रीदा, कोई बहुत बड़ी शॉपिंग भी नहीं है, हाँ छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, तो बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको इस बॉक्स में मैं जो सामान लेकर के आई हूँ वो दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने माला ली है, और फिर से आपको ये दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, ये एक मैंने कृष्ण भगवान लिए हैं, माखन लेकर के ये बैठे हैं, और ये मैंने एक पगड़ी ली है पिंक कलर की, बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझे। और ये एक मैंने छोटे से कृष्ण भगवान लिए जिसमें ये गोवर्धन पर्वत लेकर के खड़े हैं। ये सब ना मंदिर डेकोरेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, और मैं थोड़ा बहुत मंदिर सजाती भी हूँ, झांकी की तरह सजाने का कोशिश करती हूँ, लेकिन उतना हो नहीं पाता है, पर जितना हो पाएगा वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए, एक मैंने ये माला ली है, ये भी मुझे बहुत सुंदर लग रही है। तो एक माला मैं जन्माष्टमी के दिन पहना दूँगी, और एक माला उनको छठी के दिन पहना दूँगी। और जन्माष्टमी में भी हम ना सुबह भी उनको तैयार करते हैं नहला करके, स्नान करा के, फिर शाम को भी उनको स्नान कराते हैं। तो एक एक टाइम मैं माला पहना दूंगी अलग अलग चेंज करके। एक ये माला है, मुझे लग रहा है इसमें पीछे धागा बांधना पड़ेगा तब उनको पहना पाएंगे। एक ये माला है, बताइएगा कैसा लग रहा है। ये लग रहा है उनके छोटे छोटे से इयररिंग्स हैं, और ये है उनकी बांसुरी छोटी सी, और ये उनका मुकुट है, ये हाथ के कंगन है। तो ये पूरा सेट मिला था मुझे, और इसमें भी मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। ये देखिए, ये उनके कड़े हैं हाथ में पहनने वाले, और ये एक और मुकुट है। एक उनकी ये बांसुरी ली है मैंने, ये भी बहुत सुंदर लग रही है, और ये उनके हाथ के कड़े हैं ये भी। आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख पा रहा होगा। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को निकाल के भी दिखा दूँ। तो एक मैं निकाल दे रही हूँ, ये देखिए, अब आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। मल्टी कलर के हैं ये, ग्रीन, येलो, रेड कलर के, और ये गोंद दुकान वाले ने रख दिया तो फिर आ गया ये भी। ये उनकी बाली है छोटी सी, ये भी पैक्ड है तो मैं निकाल नहीं रही हूँ, इसमें नीचे ये कुंदन लटक रहा है, गोल गोल बाली है। और ये कान के इयररिंग्स हैं, टॉप्स। तो ये इतना सामान हो गया। उसके बाद ना मैं ये एक मोरपंख लेकर के आई हूँ, मतलब जन्माष्टमी में ये यूज़ किया जाता है, कृष्ण भगवान के पीछे मैं लगा दूँगी इसको। तो ये मोरपंख भी हो गया। तो मैंने ये एक ड्रेस ली है उनके लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, ये मैं जन्माष्टमी के दिन उनको पहनाऊँगी, मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी ये ड्रेस। और देखिए, ये मैंने एक ड्रेस ली है, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी तो फिर मैंने ये भी ले ली। निकाल करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखिए, उसमें मतलब घेर ज़्यादा है तो वो थोड़ी बड़ी लग रही है, लेकिन ये भी उनके आ जाएगा, डेली यूज़ में उनको पहनाने के काम आ जाएगा ये। तो ये दो ड्रेसें ली हैं मैंने,
ये एक उनका बिस्तर लिया है मैंने ग्रीन कलर का, इसमें पिलो भी हैं दो और एक ये और पिलो है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ये भी ले लिया। तो बस फ्रेंड्स इतनी ही मैंने शॉपिंग की है छोटी सी, और भी कुछ लेकर के आऊँगी, अगर कुछ मार्केट में अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इतनी ही शॉपिंग की है, मेरी शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोग जन्माष्टमी के लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे मनाते हैं, क्या लेकर के आते हैं, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट करके। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जन्माष्टमी के लिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ आप लोग जन्माष्टमी पे क्या क्या करते हैं, क्या लेकर के आते हैं, क्या तैयारी करते हैं, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट करके। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, थैंक यू, राधे राधे।